बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नय्यर इकबाल। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपने फॉर इक्वालिटी ऑफ रूट्स, इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं अगर आप एक रिज़ल्ट को प्रूव करते हैं। सो इसी किस्म का क्वेश्चन हम क्वेश्चन 5 है आपकी एक्सरसाइज 4.7 का, क्वेश्चन 5 हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसमें भी टू प्रूव द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू प्रूव सम रिजल्ट। सो सी स्टूडेंट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल इफ दिस। इसका मतलब ये है कि ये वाला आपका आंसर है, ये आपने इक्वेशन जो है ना, अगर आपने ये प्रूव कर दी तो इसका मतलब होगा कि इस गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं। सो सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास इक्वेशन जो है, पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एम एक्स माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू सी एम एक्स प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। हम जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ज़ीरो, दैट इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी मस्ट बी ज़ीरो। अब देखें इस कैपिटल बी की कीमत क्या है, आपके पास टू सी एम इट्स स्केयर माइनस फोर, ए की कीमत है वन प्लस एम स्केयर और कैपिटल सी की कीमत है ये। सो स्टूडेंट्स देखिए, फोर सी स्केयर एम स्केयर माइनस फोर सी स्केयर, यहाँ पे भी आप फोर कैंसिल कर सकते थे, चले अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। सो माइनस प्लस फोर ए स्केयर माइनस फोर एम स्केयर सी स्केयर एंड प्लस फोर ए स्क्वेयर एंड एम स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखेंगे ये तो कैंसिल होगी, बाकी जो रकमें बचती हैं माइनस फोर सी स्क्वेयर प्लस फोर ए स्क्वेयर प्लस फोर ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, तो देखिए अगर मैं इसमें से माइनस फोर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो सी स्क्वेयर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, और यहाँ आप ए स्क्वेयर कॉमन ले लें तो वन प्लस एम स्क्वेयर, यही आपने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी किस्म का एक सवाल करेंगे जिसमें हमें इसी किस्म का एक रिज़ल्ट प्रूव करना है फॉर इक्वल रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन।